हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको गोहाना जंक्शन के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, जैसे कि स्टेशन पे कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, नियर बाय होटल्स, मेजर ट्रेनें जो स्टेशन पे रुकती हैं और टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो गोहाना रेलवे स्टेशन है ये हरियाणा में पड़ता है। इसका जो स्टेशन कोड है वो है GHNA। ये नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर आता है और इस स्टेशन का जो डिवीजन है वो है दिल्ली। इस स्टेशन पे करेंटली अभी 3 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे 20 ट्रेनें हॉल्ट होती हैं। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं होती। इस स्टेशन पे आपको हर एक टाइप की बेसिक फैसिलिटी मिल जाएगी, जैसे कि पार्किंग, टिकट काउंटर, इंक्वायरी काउंटर। स्टेशन के अंदर आपको टी स्टॉल, स्नैक स्टॉल, वेटिंग रूम फॉर स्लीपर, AC जैसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी, ऑटो और होटल की फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। जो नियर बाय होटल स्टेशन के पास पड़ते हैं वो मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स गोहाना रेलवे स्टेशन के बारे में। तो इससे पहले अगर आपको लगता है कि मैं और कोई स्टेशन पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे मेरे मिशन, जिसमें मैं इंडिया का हर एक स्टेशन कवर करना चाहता हूँ, इस पर मोटिवेट करें। तो जो गोहाना रेलवे स्टेशन है ये एक इलेक्ट्रिफाइड रेलवे स्टेशन है। इसकी जो कैटेगरी है वो है NSG 5। इसमें डेली लगभग 2 से 3 हज़ार पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं और ये एक जंक्शन टाइप का रेलवे स्टेशन है जो समुद्र से लगभग 225 मीटर्स की ऊंचाई पे है। ये रोहतक पानीपत लाइन के बीच में पड़ता है और इस स्टेशन से जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो है दिल्ली एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पर है। जो मेजर ट्रेनें स्टेशन पे रुकती और गुजरती हैं वो बेसिकली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें हैं, जिनकी डिटेल जैसे कि इनका अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, ये ट्रेनें कहाँ से चलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, इन सब की डिटेल्स आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो जो गोहाना रेलवे स्टेशन है, जो गोहाना है, ये बेसिकली अपने जम्बो साइज माथुराम जलेबीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसे देसी घी में बनाया जाता है। और यहाँ के जो फेमस टूरिस्ट प्लेस पड़ती है वो बेसिकली जैन टेम्पल है, जहाँ पे वाइट कलर आइडल्स की लॉर्ड परसोनाथ की मूर्ति रखी गई है और ये अपने रामशरण आश्रम और बहुत सारे पार्क्स के लिए फेमस है। और यहाँ के जो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस पड़ती हैं वो मैंने वीडियो में मेंशन कर दिया है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।